हेलो फूडीज, वेलकम टू मोना इजी फूड मैजिक। आज मैं बनाऊंगी मसाला ढोकला, जो बहुत ही खाने में टेस्टी बनता है। चलो मैंने इसे कैसे बनाया है देख लेते हैं। एक कप बेसन को ले लिया है और अब मैं इसके अंदर एक बाउल जितना दही ले लूँगी और इसके अंदर अब मैं धनिया पत्ती जो पहले से काट लिए वो ऐड कर लूँगी और 2 से 3 ग्रीन चिली को मैंने बारीक चॉप कर लिया है वो भी इसके अंदर मैंने ऐड कर लिया है। 1/4 हल्दी और 1/4 लाल मिर्च और 1/2 स्पून मैंने यहाँ पे नमक को ले लिया है और अब मैं इसके अंदर 2 चम्मच जितने शुगर ऐड करूँगी। शुगर पाउडर लिया है मैंने यहाँ पर और अभी मैं इसके अंदर थोड़ा सा क्रश किया हुआ राई के दाने डाल दूँगी और 1 चम्मच बड़ी वाली ऑयल भी मैंने इसके अंदर डाल लिया और मैंने यहाँ पे दही वाला पानी इस्तेमाल में लिया है। जो दही बच जाता है उसको मैंने फेंट लिया था, उसके पानी से मैं इसको अच्छे से बेसन के घोल को बनाऊँगी। खाने में बहुत यम्मी बनता है, होता तो ढोकला के जैसे है लेकिन हमने इसके अंदर थोड़े इंग्रेडिएंट्स चेंज कर दिए हैं जिससे क्या होता है कि इसका फ्लेवर थोड़ा अलग आता है और खाने में आपको सच में बहुत मज़ा आएगा। अगर आप ये सब गेस्ट के आगे भी सर्व करोगे इस तरीके से बना के मसाला ढोकला तो वो भी पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया है। नॉर्मल ढोकला तो हम खाते ही हैं, आप एक बार इस तरह भी ज़रूर बना के देखें, बहुत अच्छा लगेगा। आपको खुद को भी बनाने में भी अच्छा लगेगा और आप इसे एक बार बनाओगे तो आपका काफ़ी बार मन करेगा कि मैं इसे बनाती रहूं। देन अब मैं इसके अंदर 1/2 चम्मच इनो को डाल दिया है। आप इसके अंदर बेकिंग सोडा या मीठा सोडा कुछ भी डाल सकते हैं और मैं इसको 2 मिनट के लिए फेंट लूँगी ताकि ये फ्लफी बन जाए। ढोकला की कई वैरायटी होती है, कई लोग खमन ढोकला भी बनाते हैं, नॉर्मल ढोकला भी बनता है और पानी वाला भी ढोकला बनता है, पर मैंने इसको बिना पानी यूज किए ही इसको बनाया है। अब मैं ये सारा बैटर टिन में डाल लूँगी, इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लूँगी और एक साइड में कढ़ाई में मैंने पानी को बॉईल होना चढ़ा दिया है ताकि इसके अंदर बना सकें हम कढ़ाई के अंदर। एक्चुअली क्या है कि काफ़ी लोग इसे ओवन में भी बनाते हैं, ओवन में तो 2 से 3 मिनट लगता है पर मैं इसे कढ़ाई में बनाऊँगी। मैं माइक्रोवेव बहुत कम यूज में लेती हूँ, मेरे पास है पर मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, मैंने इसे कढ़ाई में ही बनाया है। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ना, अभी इसको बनने के बाद आप देखिएगा खाने में इतना सुंदर और यम्मी बनेगा और इसका कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है। अब मैं इसको ढक दूंगी और इसको मैं 15 मिनट तक बेक करूंगी और इसको फिर मैं 15 मिनट बाद चेक करूंगी कि ये कैसा दिखता है। इसमें बाफ भी बननी शुरू हो गई है, हम इसको ठीक 15 मिनट बाद चेक करते हैं। ये देखिए ठीक 15 मिनट बाद इसका कलर भी कितना अच्छा आ गया और ये पूरी तरह से पक गया है। मैंने इसके अंदर स्ट्रो डाली है, ये देख रही हूँ, ये देखिए स्ट्रो भी एकदम क्लियर आ रही है, इसका मतलब है कि ये ढोकला पूरी तरह से पक चुका है। मैं इसको ढक दूंगी ताकि 1 मिनट के लिए अच्छे से और इसके अंदर भाप ट्रांसफ़र होकर और अच्छा बेक हो जाए। ये देखिए इसे क्या होता है कि कलर बहुत सुंदर आ जाता है पकने के बाद भी, हम इसको 1 सेकंड के लिए और ढक देते हैं तो ठीक 15 मिनट बाद इसका सेम ऐसा कलर आएगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मैं इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी और फिर मैं आपको कट करके दिखाऊँगी कि ये कैसा बना है। ये देखिए टिन से भी मैंने इसे बाहर कर लिया और बटर पेपर भी साइड कर दिया, बहुत ही सॉफ्ट बना है। और अब मैं आपको इसे कट करके दिखा रही हूँ, चाकू देखिए कितना स्मूथली चल रहा है, उसे देखने से ही पता चल रहा है कि कितना सुंदर और यम्मी बना है। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है दिखने में भी, नाइफ के भी लग गया है थोड़ा सा, एक्चुअली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना है ये मुँह में जाते ही घुल जाता है, इतना टेस्टी लग रहा है मुझे तो। ये देखिए नाइफ भी कितना क्लियर चल रहा है, बिल्कुल भी हार्डनेस नहीं है। और अब मैं इसको आपको हाथ में लेके दिखाती हूँ, इसका स्पंज कितना सॉफ्ट है ना सॉफ्ट। और अब मैं इसको एक प्लेट में भी ट्रांसफ़र करते हुए आपको दिखाऊंगी। ढोकले का स्वाद तो भाई ऐसा होना चाहिए जिसका स्वाद जुबान से ना आ जाए, ये बिल्कुल वैसा ही बना है, आप ज़रूर ट्राई करिए। और ये देखिए अब मैं इसको प्लेट में डेकोरेट कर लूँगी और मैं ये अपने बच्चों को सर्व करूँगी, बहुत ही अच्छा बना है ढोकला, मुंह में भी देखते ही पानी आ रहा है। और अगर आप सबको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्वाइन कीजिएगा फ्रेंड्स। और इसके ऊपर मैं थोड़ी सी धनिया पत्ती स्प्रिंकल कर रही हूँ, एक्चुअली बच्चों को थोड़ा स्पाइसी लगे इसके लिए मैंने साथ में मैंगो शेक रेडी किया हुआ है, वो भी मैं उनको सर्व करूँगी। और साथ में मैंने यहाँ पर ग्रीन धनिया चटनी बनाई है, ये भी साथ में ले रही हूँ। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।